तो विस्तार न्यूज़ की शुरुआत के साथ ही हमारे साथ हेमंत कटारिया जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष, बातचीत करने के लिए। हेमंत जी, आप जब यहाँ पर आए तो कैसा लग रहा है, विस्तार न्यूज़ की शुरुआत हुई है? जैसा नाम था, जैसा आपके न्यूज़ चैनल का जैसा हाइप एक सोशल मीडिया में या आम जनों में बना हुआ था, मुझे लगता है उसी आशा के अनुरूप मैंने आज देखा। और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आपने यूज़ किया है, मैं समझता हूँ शायद इस समय मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी आप लोग लेकर के आए हैं। और एक बड़ी आशा है लोगों में, विपक्ष में तो है ही है, साथ में आमजनों में भी एक आशा है कि विस्तार न्यूज़ बड़ी तेज़ी से विस्तार भी करेगा और जो खबरें हमको दिखानी चाहिए, जो चाहे वो विपक्ष की हो चाहे वो कोई भी पीड़ित पक्ष की हो, और सत्ता को आईना दिखाने का कार्य जो मीडिया का होना चाहिए उस पर विस्तार न्यूज़ खरा होता। पीड़ित पक्ष की बात कही है आपने, इस पर ज़रा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हम विस्तार न्यूज़ पर हैं जी। पीड़ित पक्ष से कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा समाज, कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा विषय जहाँ पे ऐसा लगता है कि एक पक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको दिखाना मुझे लगता है न्यूज़ चैनल का काम होता है, और साथ में विपक्ष को भी उसको उठाने का कार्य होता है। आज की जैसा परिप्रेक्ष्य में जैसा मीडिया का एक वो बना हुआ है कि मीडिया सिर्फ सत्ता की खबरों को ही दिखाते हैं, और सत्ता से क्योंकि बिल्कुल हम बेबाकी से दिखाएंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है क्योंकि कांग्रेस का कुनबा कहीं ना कहीं छोटा हो गया है, बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी में चले गए, ऐसे में लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कांग्रेस का कुनबा छोटा नहीं हुआ है, नंबर्स में हम पीछे हैं, हम हारे हुए हैं, लेकिन आप बात करेंगे जैसे मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ वहाँ की हम सारी अगर विधानसभाओं को गणित जोड़ेंगे तो हम उस लोकसभा के अनुपात में जीत के आए हैं, तो मतदाता हमारे पास है, कार्यकर्ता हमारे पास है, तो कुनबा छोटा हुआ है सिर्फ संख्या बल पे। भाई हो सकता है कहीं हमें 1000 से हार गए तो हम आज विपक्ष में हैं, और निश्चित ही हारे हैं तो हमें अपनी कमी का आकलन भी करना है, पर हमेशा हर व्यक्ति में हर संस्था में सुधार की गुंजाइश होती है, और हम आत्ममंथन इस चीज़ पे कर रहे हैं, हमें अभी नया नेतृत्व दिया है पूरे प्रदेश में, तो हम सब लोग मिलकर के नई टीम नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस को खड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अभी चुनाव है, उसको लेकर जनता से क्या कुछ वादा करना चाहेंगे आप? जनता को हमारा यही वादा है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, और एक तरफ आपके पास दूसरा विकल्प है बीजेपी, बीजेपी का आप देखिए पहला चुनाव लड़ा लोकसभा का तो 15 लाख रुपये का, बाद में उन्होंने पहले वायदा किया बाद में कह दिया कि ये जुमला है, दूसरा चुनाव लड़ा तो जो उन्होंने देश को मतलब आर्मी के नाम पे वोट मांगा उन्होंने, और जो सर्जिकल स्ट्राइक, यस मैं वो शब्द भूल रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक को उन्होंने एक पॉलिटिकल विषय बना करके दूसरा चुनाव लड़ा, जबकि आपको आर्मी का सहारा नहीं लेना चाहिए। तीसरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उनका खुद का कोई विषय नहीं है, भगवान राम की आड़ में लड़ रही है। मेरा ये कहना है कि हम लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो हमारा विषय होता है कि हम क्या विकास करेंगे, कैसे इकोनॉमिक रेट की ग्रोथ करेंगे, कैसे जीडीपी को बढ़ाएंगे, कैसे रोजगार को बढ़ाएंगे, इसलिए पॉलिटिक्स में आते हैं हम लोग, ना कि किसी भगवान के नाम पर या किसी के संस्था की राजनीति करने नहीं आते। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल छिंदवाड़ा सीट जो है वो कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में इस बार क्या लगता है कितनी सीटें लोकसभा की मिलेंगी कांग्रेस को? देखिए, छिंदवाड़ा सीट तो हमारे पास हमेशा से रही है, सिर्फ इस बार नहीं, और मैं समझता हूँ जैसा माहौल मुझे अपने ग्वालियर चंबल अंचल में भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो मुरैना लोकसभा हो चाहे वो भिंड लोकसभा हो जिससे मैं खुद आता हूँ, वहाँ पर बड़ी अच्छी आवाज़ है जनता की, और मुझे विश्वास, मैं ये तो नहीं कहूँगा बीजेपी की तरह लंबी तो नहीं फेंकूँगा कि इतनी पार और उतनी पार, बट मैं ये कहता हूँ कि हम प्रयास करेंगे कि हम आधी से ज़्यादा लोकसभाएँ जीत करके आएँ। बिल्कुल, और लेकिन एक छोटा सा सवाल है, आखिरी सवाल, कि क्योंकि कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की काफ़ी लेट हुआ, प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो काफ़ी देरी से हुई, तो ऐसे में क्या इसका कुछ बैकफायर होगा? देखिए, हाँ लेट तो है, लेकिन हम लोग जब तक हमें बेहतर सबसे बेस्ट व्यक्ति ना मिल जाए तब तक हम लोग उस सूची को नहीं जारी करेंगे, और साथ ही में हमारी न्याय यात्रा भी चल रही थी आदरणीय राहुल गांधी जी की, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन देरी का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम सबसे बेहतर विकल्प लेकर के आएंगे और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस उनके साथ लगेगी। और आखिरी सवाल, क्योंकि कांग्रेस में अंतरकलह की भी खबरें हैं, अब ऐसे में बीजेपी, जब कांग्रेस खुद में ही लड़ रही है तो बीजेपी से कैसे लड़ेगी? नहीं तो खबरें तो बीजेपी में भी अंतरकलह की हैं, बस बात यह है कि वो ईडी के सीबीआई के डर के मारे चुपचाप बैठे हुए हैं, अंतरकलह सब जगह। ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं तो क्या जिन पर कार्रवाई हो रही है क्या वो सभी नेता बेदाग हैं क्या? जिन पर कार्रवाई हो रही है, देखिए बेदाग होना या न होना का प्रश्न तो मतलब मैं उत्तर नहीं दे सकता, ये न्यायालय का काम है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ जो टाइमिंग है कि लोकसभा का चुनाव आया, एक पूरी पार्टी के पूरे नेतृत्व को, मतलब मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ, केजरीवाल, उनके डिप्टी सीएम जो थे, उनके सारे मंत्री, सब लोगों को एक तरफ से बंद कर दिया, कहीं ना कहीं घबराहट है,
टाइमिंग, जैसे कांग्रेस के लिए भी मैं आपको टाइमिंग की बात करता हूँ कि कांग्रेस में जितने लोग पहले लोकसभा लड़े थे उन सबको इनकम टैक्स के नोटिस जारी किए, भाई चुनाव लड़े 6 साल पहले, नोटिस आ रहा है इस चुनाव के 1 महीने 2 महीने पहले, सिर्फ टाइमिंग का प्रश्न है। दाग या बेदाग होना न्यायालय का काम है, लेकिन टाइमिंग अगर जनता जागरूक है तो जनता खुद तय करे कि 6 साल पहले लड़े हुए कांग्रेसियों को इनकम टैक्स का नोटिस चुनाव से 2 महीना पहले क्यों आ रहा है। और कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो उनके खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं कहीं ना कहीं, और उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो रेल का टिकट तक खरीद सके। देख लीजिए अब ये कितने बड़े, मतलब मेरे ख्याल से तो एक लोकतंत्र की हत्या करने का जितना बड़ा प्रयास है, ये अपने आप में उदाहरण है कि देश में के जो विपक्ष है उसके खाते ही सीज कर दिए। अब हमारे जो नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनके आने जाने के ट्रैवलिंग जो भी एक्सपेंसेस पार्टी के अंदर चलते, पूरी पार्टी को ही उन्होंने ठप्प कर दिया है उसका अकाउंट सीज करके। तो आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो चल रही थी लगातार, भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो जनता चला रही थी उनके, उसमें कोई पार्टी का फंड यूज नहीं हुआ। अब मैं पूर्ण रूप से मेरे को नहीं पता किस तरीके से, क्योंकि मैं उसका एक हिस्सा था प्रदेश में जब आई, तो मैं उस 6 दिन 7 दिन यहाँ पर रहा था, बट उसमें क्या किस तरह के पार्टी का फंड यूज हुआ नहीं हुआ या क्या हुआ उसमें मेरी जानकारी नहीं है। तो हेमंत कटारिया जी थे हमारे साथ, और विपक्ष लगातार कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसे में लोकसभा चुनाव है, अब देखना है कि कांग्रेस और बीजेपी में कौन जो है वो इस चुनाव को जीती है, क्योंकि 4 जून को जो है वो चुनाव के नतीजे आएंगे और ऐसे में इसका जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। प्रतिज्ञा कश्यप, विस्तार न्यूज़।